हेलो, खाना फिनिश करो अपना। तेरी मुझे काटने को किसने बोला तुझे? भाई साहब काले की जा रहे कटोरी। हम भी निश्चिंत होके बैठे आराम से, हमारी सांस बहुत फूल गई थी। पसीने देख रहा इनके चेहरों पे, अब तो मस्ती में से अच्छा अपनी स्टल दिखा काटने की। मम्मी 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 नहीं 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 मेरे भाई नहीं, मेरे भाई नहीं। अभी वापस जाएगा ये घर में रख लिया तो ये रहेगा, ये मैं रहूंगा। इधर आ ले, खाना कौन खाएगा? ले मुझे अच्छा 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 करा दूं करा दूं करा दूं, शैतानी करा दूं। ये देखो इसे खेलना, बस इसे खिलवा लो और कुछ नहीं चाहिए इसे। अरे माइक करे ले ले, अरे अरे माइक करे ले। अच्छा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा। आपको एक हमारे नए स्पेशल मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। हमारे घर में आया, आपको भौंकने की आवाज आ गई होगी। कितना शैतान है ना, ये देखो। इसका नाम अभी हमने रखा है लावारिश, क्योंकि ये एक दिन के लिए आया हमारे घर में और एक दिन ट्रायल बेस पर है। इसकी हरकतें सही रही तो यहाँ पर रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और ये देखो अभी से ऊपर कर रखा ना, तभी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। अदरवाइज इसे नीचे छोड़ते इसके दांत आने भी स्टार्ट हुए हैं और ये पूरा काटना स्टार्ट कर। इधर आ, इधर आ, वो देखो पर्दा गया, अब पर्दा गया। ये जब से आया तब से ऐसी हरकतें कर रहा है। देखो तुमसे कौन मिलना है, चलो आओ इधर आओ। लवारिश आ गया, लवारिश। अरे तुझे क्या हुआ? अरे ये तो आतंक समझ लिया। अरे कुछ नहीं कहेगा, काटेगा बस। आ जाओ बैट भी चढ़ा दूं। इधर आ, इधर आ, नीचे मत जाइयो। नहीं किसको डर लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। डर लगता है? नहीं लगता ना? लगता है। मम्मी पास भी गया। नहीं भाई क्या हो गया? देख उंगली दिखा, अपनी देख दिखा। अरे नहीं काटा, नहीं काटेगा वो, नहीं काटे। आज हम छेड़ेंगे। तो परमानेंट रख लेना इसे। नहीं यार, फिर मतलब दूर से तो अच्छा लग रहा है देखने में, पास से भी अच्छा है, बस इसके दांत आ रहे हैं, बस डर लग रहा है। लेकिन इसके दांत मम्मी इसको वैसे करते जैसे उसने करा था, बैलून बांध के उड़ा दे से। कब तक ऐसे स्टेमिना तुम नहीं लाएगी? देख कैसे कर एक बार। नहीं डर पागल, नहीं देख पकड़ तो देख कैसे। मैं पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बार बार मुंह पीछे कर रहा है। नहीं मेरा मन कर रहा है लेने का, नहीं कर रही हूं। बहुत प्यारा सा है, गोदी में बहुत प्यारा सा। मेरा मन भी कर रहा है लेने का, ऐसे ऐसे गोदी में ले लूं। एक मिनट, एक मिनट, इधर से पकड़ो ऐसे। मम्मी कर दो आज काम। ये सारे बेड से नीचे आ गए। क्या कह रही थी? अपनी काटने की। मम्मी 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 नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई नहीं। इसका नाम श्वेता रख देते। श्वेता पार्ट टू। क्या चाहिए भाई तुझे? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या कहाँ काटना है? क्या चाह रहा है? ये देखो, ये देखो, ये पता देखो कहाँ शांत रहेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे नहीं शांत रहेगा, यहाँ तो ये ऐसे पीछे पड़ता रहेगा। ये मैं पटाई कर दूंगा। अरे अरे मानेगा नहीं। अच्छा अब आके देखा इस साइड आ। थक गया, अब थक गया। बहुत चालू इंसान है। तेरा नाम सही रखा हमने, लावारिश। किसकी है तू? किसकी औलाद है तू? ये इतना शैतान है ना कि अगर इसे नीचे छोड़ दिया तो आपने देख ही रहे हो कितना आतंक मचा रहा है। और ये एक तरीके से काबू में आता है जब ये ऊपर बैठ जाता है। अब यहाँ बैठा हुआ है, पूंछ लाता रहेगा, इसकी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है। अब हम भी निश्चिंत होकर बैठे आराम से, हमारी सांस बहुत फूल गई थी। पसीने देख रहे हो आप इनके चेहरों पे। अगर इसको उंगली दिखाई ना तो उंगली काटो। आज हम इसे लेकर आए हैं और एक दिन के ट्रायल बेस पे, जो मैंने आपको पहले बताया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा शैतान है। अगर इसकी शैतानी हम झेल पाए तो इसे रखेंगे। आज रात तक ये हमारे साथ ही है। अभी मुझे ये नहीं पता कि इसको रात को हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि रात को मुझे शायद यहाँ पे सोफे सोना पड़ेगा और इसकी जगह यही बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर इसको नीचे उतारा तो भाई ये फिर आज तो हमें खाना भी नहीं मिलने का। ना मम्मी किचन में जाएंगी, ना कुछ घर में सफाई होगी, आज कुछ नहीं होने का। आगे हॉस्पिटल लगाते हैं।
मेन थिंग इज कि डॉग पालना आसान बात नहीं है, कोई भी बच्चे की तरह रखना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक जो दिक्कत होती है ना वो ये है, हम पहली बार डॉग की केयर कर रहे हैं तो इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना पता लगा है उस हिसाब से इसकी केयर कर रहे हैं। और अभी वक्त है इसके पॉटी करने का, 5 बज गए। मेन थिंग ये पॉटी तो कर लेगा, धुलाएगा कौन? मतलब इंटरेस्टेड जो इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो इसकी पॉटी धुलाएगा। भाई साहब पानी की जा रहे कटोरी, अरे ये भगवान तुझे पानी पीने के लिए दिया था, क्या करने के लिए? संदीप की कटोरी है इसमें। क्या करा है तूने? क्या चाहिए? हम मस्ती में मस्ती में पापा तुमसे गलस गया जी। हाँ तुमसे गलस गया बहुत ज्यादा। ये देखो इसके दोनों इंजेक्शन लगे हैं। अगर एक बार काटा इसने तो कितने लगते हैं? 14 इंजेक्शन लगते थे लेकिन अब तो 3 लगते हैं। मम्मी मम्मी पागल नाम रख दे इसका। अरे अरे भाई क्या करना है? मम्मी दो मावर अरे मान जा मैंने कुछ नहीं करा तेरा यार। क्या क्या चाहिए क्या चाहिए? वो कह रहा लाया जो था मुझे ये भगवान भाई करती होगी। जाओ जाओ छोड़ने चलो छोड़ने चलो 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 घर चलो घर चलो। अभी वापिस जाएगा ये घर में रख गया तो ये रहेगा, ये मैं रहूंगा। दिन में सोना नहीं है हमें, खुद तो सो गए तुम 1 घंटे। तेरे को तंग कर दिया, परेशान कर दिया तेरे को है? तेरे को ज्यादा परेशान कर दिया आज। आओ शेकेंड कर लो, आ जाओ शेकेंड। दांत नहीं मुंह से नहीं होते, हाथ से होते हैं शेकेंड। शेकेंड का मतलब क्या होता है? हाथों से होता है, ऐसे टच करते हैं ऐसे। शेक लैग कर दो, शेक लैग। हम तुम्हें नया सिखाएंगे। सारे अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं इसके साथ मस्ती करने में। तो यहां से उधर के सुसाइड कर लेगा तू। बहुत गहरी खाई है नीचे, समझा कर जा रहे। ओ चल पड़ गया। ओ भाई चल रहे हम तो बच्चा समझ रहे। हे भगवान। ओ भाई दे दे यार एक ही है भाई, प्लीज मत कर यार। हैं जो मारा था पर जब तक ये चल रहा है ना तब तक ये शांत बैठा हुआ है। इसने पूरे दिन हमें सोने नहीं दिया है चारों को, और मैंने तो अपना दिन का खाना भी नहीं खाया इसके चक्कर में। मैंने भी नहीं खाया क्योंकि हम खाना खाते हैं यहाँ बैठ के, नीचे खाने को बैठे तो ये फिर आ गए यहाँ पर। मतलब आज इसने पूरी तबाही मचा रखी है पूरे घर में। थोड़ा इसे बंद करते हैं, इसे थोड़ा देर सोने देते हैं। बहुत ज्यादा शैतान है, इसे लग रही थी प्यास। ये देख रहा है क्या माइक भी चाटना है क्या? वो जबरदस्ती होना इसे तो नहीं लेगा। बिल्कुल सैंडी पे गया ये तो मम्मी। ये क्या बात है? जैसे संदीप को कोई जबरदस्ती नहीं खिला सकता ना, ऐसे इसको भी कोई जबरदस्ती नहीं खिला। खाई गुनी भी इतनी पटाई भी एक ऐसे हो गया एक्टिव। बस ये चाहिए था, हो गया एक्टिव बस। मुझे आज की रात काटनी है यहाँ से। अरे यहाँ नहीं 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 तो बेटा तेरा तंग कर सब काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहीं बैठे रहे। हमें कुछ दिन चाहिए इससे भाई, तू आराम से बैठ सो जाएंगे आज, लेकिन तुझे इसके लिए यहाँ सोना पड़ेगा। कठिन तपस्या चाहिए मुझे इसके लिए। अगर इसे नीचे छोड़ दिया ना मैंने तो मैं सच बता रहा हूँ मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। एक यहाँ पर ये एक्सपीरियंस है कि हम चारों तरफ ना पिलो लगा देंगे इसके, सो डेट ये कहीं गिरे ना। श्वेता पता है तुझे, अभी मैंने इसे गाड़ी में लेके गया, ये इतना शैतान। गाड़ी का एसी चलता रहा तो बैठा रहा आराम से, जहाँ गाड़ी का एसी बंद हुआ इसने जो उधम काटा है ना भाई, कि मतलब एसी चला, गर्मी लग रही है इसके जो मोटे मोटे बाल है ना ये फर है। हम बीच में उतर गए थे इसको देख तंग करने का एक वो है। कैसे आप कैसे सो रहे हो? अभी हमें सोना है, अभी मत सो। सॉरी बिल्कुल नहीं सोन देंगे हम आपको। सो के दिखा कैसे हो जाएगा ऐसे कर। बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है कर। पूरे घूम गया। देख 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 इसको उधर टैकल करूं। देख तेरी पिटाई हो जाएगी अब बहुत ज्यादा। हाँ शैतान अब तुझे सोना है, फिर रात को तू जगेगा। चल सो जा, गुड नाइट, अब नहीं कर रहे तू परेशान। ठीक है कूलर चला दो। ये कूलर इसका ऑन हुआ और ये देखो पराठेदार, और ये आ गई से नींद। इसको एक दिन रखने के बाद
लगा कि हम इसके लायक नहीं है, ये हमारे लायक तो है, हम इसके लायक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट है। अगर हम इन पर ट्रस्ट करते हैं ना तो ज़िंदगी भर क्लेम कर सकते हैं, ये कभी हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ते और प्यार इतना देते ना, अनकंडीशनल लव। क्योंकि अभी देखो एक दिन हुआ है ऐसे आए हुए और ये इतना घुल मिल गया ना सबसे कि कोई इससे दूर मतलब रह ही नहीं पा रहा। आपके गली के आसपास जितने भी डॉग्स हैं सबको आप फीड कराओ, खरीद कर लाओ, या फिर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप गली के बाहर के डॉग्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो। हम लोग पालते नहीं हैं, हम लोग हमारे जितने भी गली कुत्ते हैं सबकी बाहर लाइन लगी रहती है, सब खाना वाना खाते हैं, मस्त अपना चिल मारते हैं। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा तो आराम से लेटे होंगे, जैसे उनके बाहर ये बीच है और वो बाहर लेटे हुए हैं, हम उन पर पानी गिरे, ये वाला हाल रहता है। हमारे अलावा इनका कोई नहीं है, हम नहीं अगर इनकी केयर करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ये हम पे डिपेंड है। तो एक फ़र्ज़ बनता है, दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन उनको भी खिलाएंगे। जितने भी आपके स्ट्रीट डॉग हैं आसपास प्लीज़ उनको जरा था थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। गर्मी आ रही है तो कुछ ऐसा गीला बोरी वगैरह कुछ बिछा दी, कुछ भी बाहर बिछा दी जिसपे वो आराम से लेट सकें, बैठ सकें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। ओके बाय, बाय कर दो, लवारिस लवारिस से बाय, बाय बाय, इसकी तरफ से बाय।